जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली आप सबको, वैसे ऐसे जीडी वाले सभी छात्रों को मिल गई होगी ये सूचना, आपने देख लिया होगा कहीं ना कहीं ये वीडियो, ये नोटिस भी देख लिया होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि सर ये कौन सी साइट पर आपको ये नोटिस मिलता है और ये वास्तविक है या नहीं है। देखिए इसके अनुसार क्या है कि जो आपका जून के सेकेंड वीक में जो मेडिकल होने वाला था लिखा हुआ है, जून सेकेंड वीक में जो मेडिकल होने वाला था, अब वो कब होगा, वीक ऑफ जुलाई, सेकेंड वीक ऑफ जुलाई, यानी अब आपका होगा 15 जुलाई के आसपास मेडिकल, ठीक है, जो कि पहले 15 जून के आसपास था। ये डिले क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन भी आपको समझ में आ गया। बहुत सारे ऐसे सेंटरों पे कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कोर्ट में रिट भी लगा दी थी, एसएससी पे भी लगा दी थी, कि उनकी रनिंग नहीं हो पाई थी एग्जाम के कारण या और भी कई कारण रहे हैं जिसकी वजह से उनकी वापस रनिंग कराई गई थी, रीशेड्यूल की गई थी, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको डेट आगे पोस्टपोन करके दी गई थी, जैसे वो 24 तारीख स्टार्टिंग डेटों में भी कुछ बच्चे नहीं पहुंच पाए थे, उनकी भी वापस रनिंग कराई गई थी। उस कारण से उनका फिजिकल हुआ था जून के फर्स्ट वीक में, इसीलिए फिर वापस उनकी वजह से प्रॉब्लम होने के कारण इसको स्थगित किया गया है। अब ये कब होगा, अब ये होगा जुलाई के सेकेंड वीक में। अब जो सबसे बड़ा जो आपके मन में क्वेश्चन उठता है वो ये कि सर ये ऑफिशियल साइट पर तो नोटिस है नहीं, क्योंकि जो एसएससी की ऑफिशियल साइट है वो ssc.nic.in, एक तो ये, एक सीआरपीएफ की साइट है crpf.rrect.in, ऐसा करके रिक्रूटमेंट के लिए, इन दोनों साइट पर ही नोटिस नहीं है। तो ये नोटिस कहां से आता है, अब मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो इसके बारे में बता दूं कि ये नोटिस बिल्कुल ओरिजिनल है, वास्तविक है, ठीक है, 100% इसमें कोई कमी नहीं है। आपका जो मेडिकल होगा वो जुलाई के सेकेंड वीक में ही होगा, और अगर आपने अभी तक प्री मेडिकल नहीं कराया है तो लाडली प्री मेडिकल करा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, करा भी रहे हैं। मैं आपको बताऊं प्री मेडिकल का फायदा ये है, जैसे मैंने कल एक वीडियो बनाया था और बताया था कि एक बच्चे को नाक में DNS का पॉइंट दिया था, लेकिन उसने पहले से मेडिकल करा रखा था, उसने अप्रूव ले रखा था, उसके आधार पर उसने कोर्ट में केस कर दिया और 2 साल बाद में उसको ज्वाइनिंग देनी पड़ी। साथ में उसमें एक चीज और मिली है कि उसको अलाउंस और सब कुछ उसके साथ वाले बच्चों के हिसाब से उसको सीनियरिटी दी जाएगी, समझे बात को। तो अगर आपको नॉलेज होगा, आपको कोई मेडिकल पॉइंट नहीं है फिर भी वहां पर दे दिया जाता है, कई बार आपने देखा होगा आर्मी में भी ऐसा होता है, तो आर्मी में तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन SSGD में बहुत कुछ कर सकते हैं। आप तुरंत आप SSC की नोटिफिकेशन उठाइए, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी हुई रहती है, आप अच्छा वकील पकड़िए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, अपना सर्टिफिकेट लगाइए कि मैं बिल्कुल फिट हूं इस चीज के लिए, और तुरंत कोर्ट में उसकी डाल दीजिए कंप्लेन, तो आपको एक्शन होगा 100% विद इन मंथ, और बच सकते हैं आप मेडिकल डिस्क्वालीफाई होने से, ठीक है। अब ये नोटिस कहां से मिलता है, तो मैं आपको बता दूं ये नोटिस SSC के डिपार्टमेंट से ही लीक होते हैं और वहीं से ये बाहर होते हैं, ठीक है, ऑफिशियल साइड पे आते नहीं है। जो भी वहां पर किसी न किसी तरीके से मान लो कोई ना कोई सोर्स से लीक हो जाते हैं, और कुछ CRPF के नोटिस भी होते हैं जो वहां पर जैसे काम करने वाले जो लोग होते हैं उनके माध्यम से नोटिस बाहर आते हैं। आपने देखा होगा सरकारी रिजल्ट पर SSC की ऑफिशियल वेबसाइट से पहले ही नोटिफिकेशन आ जाती है, आपने SSGD की नोटिफिकेशन SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपने देखी थी रात में लगभग 12-1 बजे, जबकि सरकारी रिजल्ट पर वो कब आ रखी थी, दिन में आ रखी थी, ऐसा कई बार होता है, ठीक है, ये नोटिस पीछे से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, गलत नहीं है, ओरिजिनल है, ये डिपार्टमेंटली नोटिस होते हैं जो कि ट्रांसफर होते हैं इधर से उधर, जो सूचना मिलती है तो वहां पर बीच में से ये नोटिस आ जाते हैं। जो भी लोग जैसे अब आप लोग कहां कैसे आते हैं, तो ये ग्रुप जो छोटे छोटे ग्रुप बने रहते हैं उन ग्रुपों के माध्यम से ये पूरे वायरल हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप इसको पूरा पढ़ोगे तो इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, कब से कहां कहां कौन कौन से जोन का है, और जो जोन डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो भी अपना नोटिस आउट करते हैं, ठीक है। तो वहां से भी कई बार जरूरी नहीं कि इलीगल तरीके से होते हैं, लीगल तरीके से भी आउट होते हैं, लेकिन SSC पर इस प्रकार के नोटिस आपको नहीं देखने को मिलते हैं। SSC का एक अलग नोटिस बन के आता है जो कि शायद इसके बाद में आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये ओरिजिनल नोटिस है और आपका मेडिकल जुलाई के सेकेंड वीक में ही होगा। लाडलो, जय हिंद जय भारत।